कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, जम्मू कश्मीर काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुके हैं। 8th क्लास के एग्जाम्स जो बार बार पोस्टपोन हो रहे हैं, उसकी वजह से बच्चे काफी ज्यादा टेंशन में आ गए हैं और बहुत ज्यादा एंग्शियस हो गए हैं। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है बल्कि तीसरी बार जो 8th क्लास का एग्जाम है वो पोस्टपोन हो रहा है। पहली बार 8th क्लास का एग्जाम 5th मार्च को होने वाला था, लेकिन आज 25th मार्च है, अभी तक 8th क्लास का जो एग्जाम है वो सिर्फ पोस्टपोन हो रहा है। डेट शीट अभी बिल्कुल भी नहीं निकला है। आपको बता दें, ऑफिशियल्स का ये कहना है कि अवेलेबिलिटी, एग्जामिनेशन मटेरियल जो होता है, जो एग्जाम्स में यूज होता है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, इसी की वजह से वो एग्जाम्स नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये जो बार बार पोस्टपोन हो रहा है एग्जाम, इसकी वजह से जो बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, वो काफी परेशान, काफी फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सैटरडे को जम्मू कश्मीर स्टेट काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च की जानिब से एक नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि 8th क्लास का एग्जाम तीसरी बार पोस्टपोन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो टीचर्स हैं और टीचर्स के साथ साथ बच्चे भी परेशानी में आ गए कि ये बार बार क्या हो रहा है। उनका ये कहना था कि अवेलेबिलिटी जो होती है क्वेश्चन पेपर्स की, और अवेलेबिलिटी जो होता है एग्जामिनेशन मटीरियल एग्जाम के दौरान, वो उनके पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो एग्जाम्स नहीं ले पा रहे हैं। सारे पेपर्स जो है 8th क्लास के वो पोस्टपोन हो गए हैं, इंग्लिश के अलावा बाकी जो रीजनल लैंग्वेज पेपर्स है उनका कहना है कि उसमें मुश्किलात आती है, इसीलिए वो पोस्टपोन हो गए हैं। ये भी कहना है परीक्षित सिंह, जो कि अभी जेके बोस के चेयरमैन है, जेके बोस के, उनका ये कहना है कि बार बार जो छुट्टियां आ रही है बीच में, जैसे बैड वेदर कंडीशंस है या फिर गुड फ्राइडे आ गई या आज होली आ गई, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जो भी एग्जामिनेशन पेपर्स है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं सेंटर्स पे टाइम से, उसकी वजह से भी एग्जामिनेशन जो है पोस्टपोन हो रहे हैं। आपने परसों ही देखा होगा, जो 12th क्लास का एग्जाम है उनका पेपर होने वाला था, उनको 11th क्लास का पेपर दिया गया। इस हवाले से जो परेशानी देखने को मिल रही है, उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है मटेरियल की, इसे एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं वो। लेकिन इस सब का असर जो है वो बच्चों पे पड़ गया है, उनके पेरेंट्स से पड़ गया है, क्योंकि अभी माह रमजान का महीना है, बच्चा बहुत ही मेहनत से प्रिपेयर करता है पूरे साल एग्जाम्स के लिए, लेकिन जू ही जब से मार्च सेशन हो गया, तब से तो मार्च में ही एग्जाम लेना स्टार्ट हो गया, लेकिन जू ही एग्जाम का टाइम आता है मार्च में, फिर भी एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। अभी अप्रैल आ रहा है, अभी तक जो है उनका सेशन कम्प्लीट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान है, काफी स्ट्रेस नजर आ रहे हैं। बाकी की जो नोटिफिकेशंस है इस हवाले से, 8th क्लास के एग्जाम के हवाले से, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, कैमरा पर्सन उमर डार के साथ मैम इन फयाज, कश्मीर लाइव के लिए।